We are live, sir. Yeah. I think so. Students, can you hear us? Are we audible? Ma'am, आपने desktop voice off तो नहीं किया ना? नहीं नहीं. Hi, good evening. Sir, are we visible? That's what I am also seeing. Have you clicked on streaming? आप मैं फिर से क्या उसको मत करना नहीं तो फिर से वो कैंसिल हो जाएगी स्ट्रीम की. नहीं मैंने स्ट्रीम कर दिया. सर कुड यू प्लीज सेंड मी द लिंक ऑफ द सेशन वंस. या श्योर. मेरे पास स्ट्रीम की नहीं. यू शुड बी लाइव स्ट्रीम कर दिया. या इट्स लाइव. लाइव. ओके. या सेंड मी द लिंक ना वंस. Just a minute, ma'am. I'm sharing. Share. Yes. I've shared, ma'am. Please check it out. Hello and good evening, everyone. Chalo, everyone, join fast. Hi, good evening. Kitne students hai? Two students are there. How come? Hi, Bhavya. गाइस जल्दी जल्दी से शेयर करो इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ में. मेंटी क्विज़ यार, डबल मेंटी क्विज़, डबल विनर्स. आज आज दो विनर्स आएंगे और आज हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हिमालय से रिलेटेड. एंड मेरे तो लाइक मिक्स है ऑलवेज एज ऑलवेज ग्रामर एंड एवरीथिंग. भाव्या शर्मा, यू कैन टेल यू हैव एन आईफोन. User who sell iPhone. Hi, Chunmon. Hi, sir. Hi, ma'am. Hi, everyone. Hello. Hi, Roma Singh. Guys, आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल जस्ट सेशन है और एक बहुत अच्छी स्पेशल अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट यू नो टू और थ्री मंथ आई थिंक यस आफ्टर टू मंथ यू गोइंग टू अपियर फॉर योर टर्म वन एग्जाम बोर्ड की जो 10th स्टैंडर्ड में है तो उनके लिए आने वाले दो महीने अगस्त सितंबर बहुत इनफैक्ट सितंबर अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नवंबर में आपका टर्म वन है तो नवंबर के टर्म वन की प्रिपरेशन फुल एमसीक्यू स्टार्ट हो चुकी है. एंड ऑन अन एकेडमी फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर वी आर गोइंग टू बी लाइव एवरी डे गाइस. वी आर गोइंग टू गेट आवर क्लासेस एवरी डे. मेरी क्लास मैम की क्लास आपको रेगुलरली मिलेगी. मेनी टाइम इट मे बी अ ड्यूअल क्लास एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट वी मे कम सिंगल यू नो सिंगल सिंगल इंडिविजुअल सेशंस टू गिव यू कंप्लीट नॉलेज फॉर दैट. So, बिल्कुल डिले मत करो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम लोग जब लाइव आए ना तो आपके दिल की घंटी बच जाए पहले तो याद रखो. ठीक है आ गए सर लाइव आ गए मैम लाइव आ गई ये आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे. मैं आपको बता दूं 1st सितंबर से लेके 30th सितंबर तक 30 सेशंस बैक टू बैक लगातार एंड इंक्लूडिंग ऑल द ग्रामर पूरा सेप्टेम्बर ग्रामर फिनिश क्लास खत्म फाइनल और पूरा अक्टूबर लिटरेचर फाइनल ये आप मान के चलो पूरे अक्टूबर में लिटरेचर खत्म. यानी अगर आप कहीं पर ट्यूशन जाते हैं नहीं जाते स्कूल चालू हुआ है नहीं चालू हुआ है उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता. आपको यहाँ पर कंप्लीटली हम पूरा 10th का फर्स्ट टर्म का 9th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस कराएंगे मतलब कराएंगे दैट्स इट. तो फटाफट सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो. भाई कहाँ पर हो मैम आपने शेयर किया अपने ग्रुप में. हाँ, मैंने अभी अभी सब जगह पर शेयर कर दिया है सर. यस सो दिस इज द स्पेशल अनाउंसमेंट व्हिच आई वाज कल हमारा सेशन है एक परसों हमारा एक सेशन है तो जो लास्ट डे 30th सितंबर को जो सेशन होगा उसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट टाइम टेबल दूंगा. ध्यान रखिए किस दिन कितने बजे कौन सी क्लास है कंप्लीट टाइम टेबल यू विल बी गिवन ऑन 30th. So, आज भी सेशन है कल भी सेशन है परसों भी है एवरी डे इन दिस मंथ यू आर हैविंग नाउ माय सेशन. और लास्ट सेशन में इस मंथ के लास्ट सेशन में मैं आपको देने वाला हूं नेक्स्ट मंथ का कंप्लीट टाइम टेबल. सो मिस बिल्कुल ना करें. एवरीवन जॉइन फास्ट द मेंटी क्विज. अच्छा ठीक है तो मैं मेरी क्लासेस का बता देती हूँ आपको यूट्यूब पर जो होने वाली है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ. तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स इतने टाइम से कह रहे हैं कि मैम आप कब पढ़ाओगे एसएसटी. सो फॉर क्लास 10 वी आर गोइंग टू हैव 7 थ्योरी सेशंस. तो उन थ्योरी सेशंस में हम
हाफ एन आवर थ्योरी करेंगे और बाकी का हाफ एन आवर हम मेंटी करेंगे। तो तुम लोगों के जितना टर्म वन का सिलेबस है सबका वन शॉट रिवीजन, इसको मैंने नाम दिया है बूस्टर बैच, इस बूस्टर बैच में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये वाला चैनल तो तुम जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले लेक्चर्स तुम मिस नहीं करो। एंड फॉर क्लास 9 हम लोग ऑलमोस्ट एवरी डे क्लास करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पर क्लास होगा, एक थ्योरी सेशन, उसके बाद मेंटी, थ्योरी सेशन मेंटी, इसका नाम रहेगा प्राइम बैच। तो इन बैचेस के अंदर वी आर गोइंग टू कवर योर इंटायर सिलेबस ऑफ टर्म वन, बहुत इंटरेक्टिव से फन सेशंस रखेंगे, बोरिंग एनसीईआरटी को छोड़ देंगे साइड में, ठीक है। पर फिलहाल के लिए जल्दी से ये ज्वाइन करो, वीकेंसी ओनली 4 स्टूडेंट्स आर देयर, 7657-1469 इज द मेंटी कोड, कम ऑन गाइज क्विकली ज्वाइन इन। No dear, 15 questions are there for English, then Kavya, SST questions are also there, beta. Beta, 15 questions for English, then 20 questions for SST, Himalayas. Very important. ठीक है रोनित, guess करेंगे कि आप कौन हो। चलिए मैम स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। चलो लेट अस स्टार्ट एवरीवन, 3 2 1 गो। फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, वही सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। और अरुण सर के क्वेश्चंस तो आई पर्सनली लाइक अ लॉट, बहुत यू नो टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में आने वाले हैं। एक्चुअली हमने जितने भी क्वेश्चन शेड्यूल किए, जितने भी क्वेश्चन मेंटी में भी डाले हैं, ये सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द करंट जो टर्म वन के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यूज की आई हुई है सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस डाले हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उठा के कोई भी क्वेश्चन रख दिया है जो आप टेक कर रहे हो। चलो सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट दिया इसका आंसर। अब तुम समझ रहे हो तुमको हमारी इन क्लासेस की और अनअकैडमी प्लस की कितनी ज्यादा जरूरत है। सिर्फ 2 बच्चों ने सही किया आंसर। So friends, देखो यहाँ पे since है, since और for जो होता है वो perfect continuous tense के लिए use होता है, ठीक है? कल से बारिश हो रही है लगातार, and it is still going on. That's why it will be, it is singular. इसलिए हम यहाँ पे क्या use करेंगे has, that's it. और perfect continuous है इसलिए been plus ing होगा ही होगा, तो a और d तो हो नहीं सकता, b और c में यहाँ पे have है, have plural के लिए आता है, तो वो हो नहीं सकता, तो simple सा है, second will be the correct option. इशिता स्टूडेंट बहुत, ओ माय गॉड, वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर मुस्कान मैम, ये लिखा है रोनित ने 100%। अव्या शर्मा क्लास 9, इंशा चुनमुन और काव्या, दो ही लोगों का सही हुआ है तो हम दो लोगों को ही देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला, मैम आपके फैन बहुत है, लेकिन ये तो मैं मानूंगा आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि आप पढ़ाते हैं बहुत सुपर। मैंने मतलब आप सोशल साइंस पढ़ाए तो बंदा नहीं भी पढ़ना चाहे तो भी पढ़ ले, एक बार चलो एक बार आओ पढ़ ही लेते हैं। देखो इतनी तारीफ हो चुकी है, मैं आई एम ऑन द 9th, यू नो 9th क्लाउड, 7th हेवन, हवा में हूं मैं, वॉकिंग ऑन एयर। चलो द टीचर डैश द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, टीचर ने बच्चे को पनिशमेंट की किसके लिए, चोरी करने की वजह से। वेरी गुड, 4 लोगों ने सही किया है, बहुत बढ़िया। सो इसका बेसिकली मतलब यही हुआ कि द टीचर डैश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, यानी टीचर ने बच्चे को पनिशमेंट दी, द एक्शन इज कंप्लीटेड, सो दिस इज पास्ट, सो द टीचर सी और ई जो भी टीचर होगा खुद ही पनिशमेंट देगा, इसलिए पेन का कोई चांस बनता नहीं है। परफेक्ट टेंस अगर आप सोचते हो कि सर परफेक्ट भी तो हो सकता है, ठीक है। और दूसरा इज पनिश्ड और वाज पनिश्ड पैसिव वॉइस के लिए होगा, ये पैसिव वॉइस है नहीं, क्योंकि टीचर का पनिशमेंट वो उनका खुद का डिसीजन है, दैट इज एक्टिव वॉइस, सो द टीचर पनिश द स्टूडेंट फॉर थेफ्ट, चोरी करने की वजह से उसको टीचर ने पनिशमेंट दी। चलो नेक्स्ट, आयुष उर्फ संचित भव्य शर्मा क्लास 9, ओके वी हैव गॉट 6 स्टूडेंट्स ऑन द लीडर बोर्ड,
चुनमुन फास्टेस्ट है, इशिता सेकंड। चलो लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स को इनवाइट क्यों नहीं करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। हां वही, मुझे भी नहीं नहीं समझ में आ रहा, इतने कम कैसे हैं भाई आज? आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हां अब यार वी आर आल्सो सरप्राइज्ड व्हाई सो लेस स्टूडेंट आर देयर टुडे। आज क्या कुछ संडे भी नहीं है, फ्राइडे है, अभी 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 से तुम लोग वीकेंड मनाने लग गए। चलो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है लेट अस स्टार्ट एंड फटाफट आप सेशन को शेयर करते रहो भाई। ठीक है, एज द पेशेंट कुड नॉट वॉक ही डैश होम इन अ व्हीलचेयर। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है ये, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। यू कैन एलिमिनेट, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लॉजिक आता है ना तो तुम बाकी के ऑप्शंस एलिमिनेट करके यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। Yes, of course. As the patient could not walk, he dashed home in a wheelchair. क्योंकि पेशेंट जो था वो चल नहीं पाता था, इसलिए उसको घर ले जाया गया। This is basic voice, guys. ये basic voice है, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है आपके लिए टेंसेस का, कि एज द पेशेंट कुड नॉट वॉक, क्योंकि पेशेंट चल नहीं सकता था इसलिए उसको ले जाया गया, तो ही वाज कैरीड। सिंपल, यहां कुड है उससे ही हमको पता चल जा रहा है कि ये पास्ट टेंस है, दिस इज पास्ट टेंस। एंड जब आप इसको जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाओगे तो इस एमआर के साथ थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड फॉर्म होगा तो वॉज के साथ कैरी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट, कम ऑन क्विकली, चलो फटाफट सब शेयर करते रहेंगे। 8 स्टूडेंट हो चुके हैं, एवरीवन कीप ऑन शेयरिंग योर लव, यू नो, अब सो फटाफट शेयर करते रहो ताकि सबको भाई मिलेगा सेशंस बेनिफिट। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ हमारी जितनी भी क्लासेस है पूरे 30 डेज आपको मिल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के पूरे 30 के 30 डेज आपको क्लासेस मिल रही है, पूरा कंप्लीट इंग्लिश मैम के बैचेस जो आएंगे, कंप्लीट साइंस आपको मिलेगा। So in short, आप कह सकते हैं कि you will get the complete batch for maths, science, SS, English, every educator is conducting throughout the month. Anil made money by fits and starts, means that he. देखो वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, idioms and phrases। Received money। सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने सही किया है। Oh my God, अनिल, ये आपके 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है कि अनिल ने पैसे किस तरीके से, ये एक्चुअली लिटरेचर का क्वेश्चन मैम, ये लोग क्या सोच रहे थे कि पूरा का पूरा ग्रामर ही आएगा, तो मैंने ग्रामर के बीच में एक क्या बोल सकते हैं लिटरेचर का क्वेश्चन डाल दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका क्या मतलब है, रिसीव मनी इंटरमिटेंटली, मतलब उसको रेगुलर परमानेंट इनकम, कोई फिक्स इनकम का कोई सोर्स नहीं था, इसका मतलब ये है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब है देयर वाज नो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर अनिल। वो कभी कहीं पर चोरी कर देता था, कभी कहीं पर रॉबरी कर लेता था, जहां काम करने जाता था वहां कुछ ना कुछ चुराता था, तो ही डिड नॉट हैव परमानेंट सोर्स। ओके लेट अस स्टार्ट। एक ई कौन सही हुआ भाई, ये My God, only Kavya, very good Kavya, superb बेटा। मैम कुछ SS के questions करने हैं या पहले complete English ही करना है? सर पहले English करते हैं ना complete, otherwise फिर leaderboard generate करने में problem होगी अपने को। हाँ ये भी सही कह रहे हैं कि leaderboard generate करने में। चलो तो दोस्तों अभी हम लोग सिर्फ English के sessions कर रहे हैं, English का session complete होगा उसके बाद फिर से हम एक session start करेंगे जो SST के होंगे से, ठीक है? Question number 5.
चलो फिफ्थ क्वेश्चन एवरीवन, द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट्स दैट अनिल कुड बी योर, ओके आई कैन नॉट सी द एक्सट्रैक्ट हियर. द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्टेड दैट अनिल कुड बी अ, अनिल क्या था? एक्सट्रैक्ट मतलब इस चैप्टर की बात हो रही है, इस चैप्टर में अनिल, सबको पता है चैप्टर में अनिल कौन था, तो ये पूरे चैप्टर में अनिल क्या था? सैलराइड प्रोफेशनल था, फ्रीलांसर था, बिजनेसमैन था या वॉलंटियर था? तो गाइस ऑफ कोर्स अनिल वाज अ फ्रीलांसर, क्योंकि उसके पास कोई फिक्स इनकम का सोर्स नहीं था, कभी कुछ और कभी कुछ करके अपनी इनकम को जनरेट करता रहता था, उसके पास कोई भी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी. कितने लोगों का सही हुआ, हम लोग देखेंगे भाई, देख किसका किसका सही हुआ. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट करेक्ट. ओ माय गॉड, ओनली 1 2 3 4. World's best, Kavya, Insa, world's best teacher, ma'am, Ishita, Love Sai, Kripa, Purvi, Ayush, Sanchit, that is TT, and Bhavya Sharma. Let's start the next one. गाइस क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से करना यार, देखो जल्दी मत करो, 30 सेकंड्स तुम्हारे लिए थोड़ा है, आराम जो से टाइम इतने जल्दबाजी बिल्कुल करना नहीं है भाई, सबको ध्यान से इसको सॉल्व करना है. और ध्यान रखना सेशंस को पूरा देखोगे, लास्ट में मेरे पास टाइम टेबल है आप लोगों के लिए देने के लिए, सुबह मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना. मंडे से पूरा संडे तक का, संडे टू मंडे, यानी संडे मंडे ट्यूसडे, संडे टू सैटरडे पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिलेगा लास्ट में. हाय प्राची, इट्स ओके डियर, चलो ज्वाइन द क्विज फटाफट, पास. दे हैड ऑलरेडी कांटेक्टेड हिम, दे हैड ऑलरेडी कांटेक्टेड हिम. पैसिव वॉइस बनाना है इसमें, तो तो हम हैड के साथ क्या लगाते हैं, बिन. किसी भी परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा तो वो बिन आता है. यहाँ बिन तो है लेकिन हैव है, यहाँ पर भी बिन है लेकिन हैज है, जबकि हमारा टेंस किस में है, पास्ट टेंस में. तो ये रहा, had already been, that's it. चलो let us start. Let's see किसका किसका करेक्ट हुआ है भाई. अक्षर, पूर्वी, पूर्वी is fastest by the way. Congratulations पूर्वी. ठीक है, फिर है इंशा, टीटी, रोनित, इशिता, कृपा, आयुष एंड ईटी. ईटी आपका नाम क्या है जरा बताओ तो चैट बॉक्स. व्हाट इज द नेम ऑफ ईटी, ईटी का क्या नाम होगा. हाय हाय अक्षत, हाय अक्षत मुरारका, मैम हैड बीन, साथ में नहीं होता चाहिए, क्या क्यों नहीं होना चाहिए, पेशी वॉइस है तो क्यों साथ में नहीं होगा. रोनित आनंद, हाय विजय गुप्ता, चलो फटाफट आप लोग पहले बताओ, नेक्स्ट मंथ आप लोग को पहले आप पूरा कंप्लीट ग्रामर कंप्लीट करना है फिर लिटरेचर करना है, या फिर पहले लिटरेचर करना है उसके बाद ग्रामर करना है, पहले इनसे पूछ लेते हैं. हाँ, एक बार पता तो चले कि पहले लिटरेचर करना है कि पहले ग्रामर करना है. तुम लोग बताओ, तुम्हारे हिसाब से ही चलेंगे हम, तुम्हारे हिसाब से. यस, जो आप लोग कहते हैं, मैं मेजोरिटी ऑफ यू, फर्स्ट विच शुड बी कंप्लीट स्टार्ट विद दिस ग्रामर और शुड बी स्टार्ट विद लिटरेचर. किससे स्टार्ट करें, चलो फटाफट लिख के बताओ. एवरीवन आई एम वेटिंग,
ओके आयुष इज सेइंग फर्स्ट लिटरेचर, विजय इज सेइंग फर्स्ट ग्रामर, टीटी इज आल्सो सेइंग ग्रामर, प्राची इज आल्सो, प्राची इज सेइंग टू टू पे है। कर लिया, गलत पूछ लिया हमने, अब तो और कंफ्यूज हो गए। ओके सर टू क्वेश्चन साथ में नहीं था, हैड बीन, वो एक्टिव वॉइस था बेटा, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान दो, रेगुलर आओगे तो पता चलेगा। लिटरेचर वाले बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं लिटरेचर करेंगे, तो हम लोग जो नेक्स्ट मंथ का सेशन रख रहे हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो सेशन है, नाइन्थ और टेंथ दोनों का ही बेसिकली हमारा जो सेशन है वो आ रहा है भाई 7:30 को, ठीक है। नेक्स्ट मंथ सारे सेशन 7:30 को आ रहे हैं, तो आपको पूरा 1 तारीख से लेके 30 सितंबर तक 7:30 का टाइम आपको रिजर्व करके रखना है, ठीक है। कहीं पर भी जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश। मैम आपका कोई फिक्स टाइमिंग है तो आप भी प्लीज बताओ, ताकि बच्चे जो है वो फिक्स हो जाए कि इस टाइम पे हमको इंग्लिश, इस टाइम पे हमको एसएस पढ़ना है, क्योंकि मैम आपको कंप्लीट एसएसटी कराएंगे। हाँ एसएसटी के लिए क्लास 10 के लिए टाइम रहेगा, SST में क्लास 10 के लिए टाइम रहेगा 4:15 PM का, और जो क्लास 9 के लेक्चर्स होंगे वो होंगे अराउंड 7 PM। तो हमारे टाइमिंग्स जो है थोड़े क्लैश वो आपको पता चल जाएंगे, आपको कंप्लीट यू नो टेबुलर शीट आपको मैं भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है अरुण सर अनअकैडमी। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन आया है, जो कि अब लेटेस्ट प्रेजेंट में आपको ऐड करके दिया गया है, जिसका मतलब है कि आपको दो यू नो पेयर्स बना के दिए होंगे, वो पेयर हो सकता है सिनोनियम का हो सकता है एंटोनियम का हो। इसमें पूछा है ऑड पेयर कौन सा सूटेबल होगा, ऑड का मतलब है जो उसका सिनोनियम नहीं है, जैसे बोरो एंड लैंड ये क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। बोरो यानी उधार लेना, लैंड मतलब उधार देना, ठीक है। तो हुक एंड स्किप, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली जैसे लेना देना वैसे हॉप स्किप, ये मुझे लगता कोई गेम भी है मैम हॉप स्किप, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो मैंने नाम सुना इस गेम का। चलो सो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आपको डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे कि सिनोनियम बनाओ एंटोनियम बनाओ, आपको ऐसे पेयर्स दिए होंगे, आपको खुद से फाइंड आउट करना है कि इसका सिनोनियम बनाना है कि एंटोनियम बनाना है, और वो आपको पेयर से पता चलेगा कि जो पेयर्स बना के दिए हैं वो पेयर एक दूसरे के सिनोनियम है, तो नीचे आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है, वो एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट यानी एंटोनियम फाइंड आउट करना है, वो एक दूसरे का डेफिनेशन है तो नीचे वैसा ही। तो मतलब आपको इतना स्मार्टली डील करना है कि जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन भी आप ही को पढ़ना है, बनाना भी आप ही को है, आंसर भी आप ही को देना है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी जो है टाइप का क्वेश्चन है। यस हॉपस्कॉच आप कहते हैं, थैंक यू सो मच विजय गुप्ता द नेम, हेलो एजुकेटर हाउ आर यू बोथ, हाय प्रीति शुक्ला, हाय प्रीति, अरे शुक्ला जी आ गए, क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच शुक्ला जी फॉर ज्वाइनिंग। चलो फटाफट मेंटी क्विज ज्वाइन कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, ये 15 अभी जो चल रहा है ये सिर्फ इंग्लिश का है, सोशल साइंस का बाकी है, ठीक है। शुक्ला जी फटाफट ज्वाइन करिए। अरे सोशल साइंस के तो अभी 20 क्वेश्चंस बाकी हैं, हम इस बार ही दो लीडर बोर्ड्स दिखाने वाले हैं, मतलब दो स्टूडेंट्स विनर बनेंगे। और पता है क्या, CBSE ने, तुम लोग जो कहते हो ना कि हम बड़े हो गए हैं, वी आर टीनेजर्स, वी आर नॉट किड्स एनीमोर, तो मैं बहुत सीरियस ले लिया, तो अब क्वेश्चंस तुम करो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस करो, झूठ बोलने की वजह से उनको पनिशमेंट मिली, फिर से वही हुआ, द स्टूडेंट पनिशमेंट कंप्लीट हो चुकी एक्शन, तो स्टूडेंट होता तो प्लूरल होता, एक्चुअली स्टूडेंट होता, किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है तो इसलिए इसको सिंगुलर काउंट किया गया, और इसलिए उसके पैसिव वॉइस में वॉस वेयर के साथ V3 होता है, सिंगुलर है इसलिए वॉस प्लस V3। चलो चलो शुक्ला जी फटाफट ज्वाइन करिए, मुझे आप लीडर बोर्ड पे चाहिए, चलिए फटाफट फास्ट।
वेरी गुड। अभी भी जो है चुनमुन लीड कर रही है, शी इज नॉट रेडी टू गिव हर पोजीशन टू एनीवन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड दैट समवन एल्स, इज देयर एनीवन हु कैन चैलेंज हर? कोई बात नहीं अक्षत मुरारका, हमारे पास 9th के भी सेशन है बेटा, चलो लेट अस स्टार्ट। मेंटी कोड है 7657, आई राइट डाउन ओवर हियर, 7657, 7657, 1469। यस, ज्वाइन विद दिस वन। हाय विवेक सेंगर, सेंगर मैम, व्हाट इज द कोड? बेटा कोड दे दिया है, प्लीज जाके उससे ज्वाइन हो जाओ। एंड द क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, द रेफरेंस टू मेकिंग अ लिटिल मनी, ये भी वो द थीफ स्टोरी वाले चैप्टर से ही है। लिटिल मतलब थोड़ा सा, जो सेंटेंस है कि अ लिटिल मनी, दिस वे मतलब किस तरीके से, रिफर्स टू अ वे दैट इज व्यूड बाय मोस्ट पीपल एज चैरिटेबल, ज्यादातर लोगों को चैरिटेबल लगे। द रेफरेंस टू मेकिंग अ लिटिल मनी, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था चैरिटी करके, उस तरीके का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहा है। बट ये चैरिटी तो वो करता नहीं था अनिल भाई, अनिल तो कोई चैरिटी करता नहीं था, ये एक्चुअली उसके लिए है, हरी सिंह के लिए। द रेफरेंस ऑफ मेकिंग अ लिटिल मनी बाय दिस वे रिफर टू, थोड़ा बहुत चैरिटेबल तो दिया नहीं हुआ है। एवरीवन मैम, इस क्वेश्चन को हम लास्ट में चेंज करेंगे, यहाँ पे करेक्ट आंसर इन अप्रोप्रिएट ही है, चैरिटेबल नहीं है, चैरिटी से पैसे नहीं कमाता था, चोरी करता था, जो कि अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है ठीक है सर। अर्निंग करने का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, कौन सही जा रहा है इसमें? काव्या और आयुष ने अब फिर भी करेक्ट कर दिया। ओके चलो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 9 एडिट करना है सर हमें, विल रिमेम्बर दैट, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, 9th के लिए अक्षत मुरारका, हम अभी प्रेजेंट में आप 9th के लिए आपको हम वो लेकर आए, क्या बोलते हैं इसको, दैट वन ग्रामर, 9th के लिए हम ग्रामर लेकर आए हैं और 10th के लिए लिटरेचर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन जो होगा, अब हम सेपरेट सेशन करेंगे 9th और 10th का, तो 9th के जो सेशन होंगे वो आपको स्पेशली मिलेंगे 9th के लिए, और 10th के सेशन स्पेशली 10th के लिए ही होंगे, डेडिकेटेड लेक्चर होंगे। हाय हिमांशी मैम, आपको बुला रही है हिमांशी, हाय हिमांशी। चलो लेट्स सर अभी सी। बच्चों को लीडर बोर्ड लास्ट में दिखा दें, कितने क्वेश्चंस रह गए? 5 क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस के बाद में दिखाते हैं। अभी 4 ही रह गए हैं, हाँ 5 यस मैम, चलो एवरीवन। मालिनी डैश अ कलरफुल हैड फॉर हर डॉटर, मालिनी डैश अ कलरफुल हैड फॉर हर डॉटर, यस। तो फटाफट अभी हम नहीं दिखाएंगे, अब हम लीडर बोर्ड दिखाएंगे हाँ, अभी डायरेक्ट लास्ट में देखेंगे फाइनल लीडर क्वेश्चन, बोर्ड। फाइनल क्वेश्चन पे, फाइनल क्वेश्चन पे दोस्तों। He dashed at the seminar on Thursday because he was sick. Fill the gap to complete the sentence in simple past tense, guys. Simple past tense. He dashed at the seminar on Thursday because he was sick. Was sick है।
यहां से पता चल जाएगा। तुमको पास्ट टेंस दिया हुआ है। यस, जब ये पास्ट टेंस हुआ है तो सिंपल सी बात है कि वो प्रेजेंट नहीं था सेमिनार में, ही वाज नॉट एट द सेमिनार, सिंपल, बिकॉज़ ही वाज सिक। चलो लास्ट थ्री क्वेश्चंस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 13, द स्टेयर्स आर वेट एंड स्लिपरी, वॉक डैश, करेक्ट एडवर्ब फिल करना है फ्रेंड्स। स्टेयर्स जो है भीगी है, मतलब पानी गिरी है, और थोड़ा स्लिप भी कर है, तो अरे ये तो बहुत बहुत ध्यान आसान है से यार, चलना। इसमें तो सर 100% बनता है। नहीं, हाँ सही हो जाए देखिए तब पता चले। इसमें तो आना चाहिए 100%। लेट्स सी एवरीवन वेदर यू आर एबल टू डू इट और नॉट। द स्टेयर्स आर वेट एंड स्लिपरी, वॉक डैश, केयरफुली, इतना सिंपल क्वेश्चन था। सिंपल, करेक्ट एडवर्ब करना था, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और है आई गेस मैम। देयर वाजंट इनफ पेपर इन द प्रिंटर, ये क्वेश्चन टैग है। दे हियर यू हैव टू फिल प्रॉपर करेक्ट क्वेश्चन टैग एवरीवन। करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको फिल करना है एवरीवन, फास्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है। लास्ट क्वेश्चन, फाइनल, यस फाइनल क्वेश्चन। डैश यू डैश ज्वाइन एनसीसी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर है लास्ट, यहां से पता चल जाना चाहिए आपको। और देखो यू लिखा हुआ है तो तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। हाँ यू से ही काफी आंसर मिल जाएगा आपको, यू आपको एसी पता यू होना ज्वाइन चाहिए नहीं, सिंगल। एनसीसी तो नहीं हो सकता ना। देखो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ में वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब। आप क्या सुपर इंग्लिश पढ़ाते हो यार, आपको अपने तो इंग्लिश भी स्टार्ट कर दो अब तो आप। ठीक है, यस दोस्तों मैम ने एग्जैक्टली सही कहा, यू प्लूरल है इसलिए इज नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, बच्चा हैड और डिड, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा है which is asking about question of your joining NCC. So did you join NCC last year? ठीक है? Which question was there, ma'am? That was seventh. ठीक है, लास्ट हो गया सर, वो प्लीज गिव मी द कौन होस्ट वंस। सा क्वेश्चन था वो जिसमें चेंज करना था? नाइन्थ सेवेंथ नाइन्थ था? नाइन्थ था सर। नाइन, नाइन टू जा 18 ना, तो 17-18 वाली वर्कशीट नंबर देखना पड़ेगा ये रहा। हाँ इनअप्रोप्रिएट, विनर देख लें। चलो फाइनल विनर कौन है आज का? ऑफ कोर्स काव्या, ये लड़की पता नहीं क्या खा के आती है, समझ ही नहीं आता ये डाइटिंग में क्या मतलब, अब इसके डाइट का मुझे पूरा प्लान लेना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड अक्षत, कंग्रेचुलेशंस सेकंड काव्या अक्षत, एंड अक्षत आल्सो। देव सिंह, सेकंड सर योर वीडियो इज स्टक। यू आर स्पीकिंग बट आई कांट हियर कैन यू हियर मी Now I ऑडिबल? can. Yes, now I can. ओके आई हैव मेड यू होस्ट, यू आर होस्ट नाउ मैम, Okay, sir. Okay, thank you. यू कैन शेयर योर स्क्रीन। एवरीवन ज्वाइन नाउ फॉर एसएसटी क्लास, कोई जाएगा नहीं अभी, ये इंग्लिश का था। अरे अभी नाउ वी एसएसटी विल, का एक क्विज और बचा है हमारे पास में, हिमालयस का क्विज करेंगे। अभी तो काव्या विनर है, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं कि कौन होगा हमारा विनर। तो जल्दी से ज्वाइन करो 2849-3607। एक ही बार लीडर बोर्ड देखेंगे क्लास के एंड में।
join now. I'm writing the code over here. 28493607. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, दो बच्चे आ गए हैं। 2849 2849 3607। चलो भाई फटाफट ज्वाइन करो, किस बात का वेट कर रहे हैं आप? एवरीवन फोर स्टूडेंट्स आ गए सर हमारे पास। चलो एवरीवन यू हैव 2 मिनट्स, हम एट नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट 1 चलो ठीक है, 8 स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या तुम सबने लाइक कर दिया सेशन को? नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दो। हिमालयस के ऊपर 10 क्वेश्चंस, हिमालयस पूरा रिवाइज हो जाएगा इस क्विज से तुम्हारा। ओके, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज नोन एज। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। 5 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी आंसर्ड। 6 Just 2 more, 1 more to go. एक बच्चे का आंसर रह गया है। जल्दी 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 जल्दी। हिमाद्री, लेसर हिमालय, शिवालिक और नॉर्थ ऑफ द बॉब, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज। रिमेंबर द डायग्राम, क्वाड्रिलेटरल वाला। आई ऑलवेज कॉल इट ट्रायंगल। 9 ऑफ यू हैव आंसर्ड। टाइम अप। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज हिमाद्री। एक ने गलत कर दिया बेटा, गलत करने लायक क्वेश्चन था नहीं ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 रैपिड फायर क्विज चल रहा है। कांगरा एंड कुल्लू वैली आर लोकेटेड इन। ये क्वेश्चंस तो पेट क्वेश्चंस हैं, आना ही चाहिए। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कम ऑन क्विक, 5 ऑफ यू हैव आंसर। 20 सेकंड्स। वी हैव गॉट 8 रिस्पांसेस नाउ। एवरीवन बिग विग। 9 जल्दी जल्दी जल्दी। 10 Time up. Everybody has voted Himachal Pradesh is the correct answer. Moving on to the next question. अच्छा तुम्हें पता है ये मेंटी क्विज खत्म होने के बाद क्या होगा? हम तुम्हें दिखाएंगे अनअकैडमी पर जो लेटेस्ट बैच आ रहा है। मेरा भी एक नया बैच आ रहा है 1st of September से 8:45 PM पर। प्लीज अटेंड कर देना। Vajoli is a river and island located in the river. आप हम दोनों में से किसी का भी रेफरल कोड यूज कर सकते हो प्लस और आइकॉनिक लेने के लिए। सर का रेफरल कोड है ATLIFE10 और मेरा रेफरल कोड है MSLIFE10। Vajoli is a river in Thailand that is located in which river? Brahmaputra and Assam. Okay, next question. Question number 4. This one is again easy. बेटा ये सारे हिमालयस के वो questions हैं जो exams में आते हैं। ये school teachers के तो specially favorite questions होते हैं। मैं सच बता रही हूँ तुम्हें। Dudhma National Park is located in the state of Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan. किस state में है Dudhma National Park? Uttar Pradesh. Okay. Next question number 5. तब तक एक काम करते हैं, चैट बॉक्स के अंदर। ओ हाय जिमी, काफी लेट हो गए जिमी। हाय स्नेहा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई केम इन योर क्लास। हाय स्नेहा, हाय लवी तिवारी जी, गुड इवनिंग स्नेहा, हाउ आर यू, कैसे हैं? Just now I saw your message, dear. Sneha? Yes. Code is ATLIFE10 and MSLIFE10, everyone. Hello, Jimmy Anderson. Guys, आधा गेम खत्म हो गया, आधा गेम बाकी है। 5 questions to go. फिर लीडरबोर्ड दिखा देंगे। चलो इसके बाद दिखा देंगे एक बार।
16 लाइक्स हो गए हैं हमारे पास। ओहो, जिमी एंडरसन अभी तक आप एक भी विकेट नहीं ले पाए यार सेकंड इनिंग में। क्या कर रहे हो जिमी? हाईएस्ट पिक इन द बस ईस्टर्न घाट, ये तो आता पे। ईस्टर्न गार्ड की हाईएस्ट पिक का नाम क्या है बोलो भाई? ईस्टर्न बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी, टेन गार्ड की सेकेंड्स हाईएस्ट पिक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पिक ऑफ ईस्टर्न गार्ड? के महेंद्रगिरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम तो सुपर फास्ट कर रहे हैं, क्या बात है। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्लो कर, थोड़ा स्लो कर। विराट कोहली चलो फैन ऑफ मुस्कान मैम। AKS इज व्हाट? काव्या, प्रीति, रोनित, निकिता, देव, पूर्वी, उज्जवल, आयुष। विराट कोहली फैन ऑफ मुस्कान मैम, नहीं समझ में आया मुझे। देन वी हैव भव्या शर्मा, क्लास 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। जैसलमेर इज, ना इतना आसान, इतना आसान क्वेश्चन, ये गलत करने वाले को तो पाप लगेगा। तो लेट अस, अरे यार ये कैसे रॉन्ग हो सकता है? आंसर बेटा, जैसलमेर राजस्थान में है। अरे ये तो दिस इज इजीएस्ट ऑफ ऑल, ये रॉन्ग तो हुई नहीं, होना ही नहीं चाहिए। जैसलमेर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था ये वेरी क्वेश्चन। फेमस फॉर इंडिया पाक बॉर्डर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा मिस हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 8। बाकन्स आर फाउंड इन क्रेसेंट शेप्ड डैश, क्या होते हैं तुम बताओ। अगर मैंने तुमको बता दिया क्या होते हैं, देन यू विल गेट द आंसर। Buckets are found in desert, डेजर्ट, plains, plateaus और hilly regions। कहाँ मिलते हैं भाई? भाई ये करेक्ट करके दो, रॉन्ग होना नहीं चाहिए। क्रेसेंट क्रेसेंट शेप से कुछ तो समझे होगे तुम। डेजर्ट रीजन, क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा। डेजर्ट रीजन इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9, टू मोर क्वेश्चंस। द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज कॉल्ड। वेस्टर्न कोस्टल जो रेंज है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसको किस नाम से जाना जाता है? द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न, ऊपर वाला है यानी गुजरात के पास वाला, गुजरात महाराष्ट्र वाला है। देखो आई सर्टिफिकेट गेस में इतने कोंकण ज्यादा हिंट दे दिया हो, है, अब तो हो ही जाना चाहिए। ये तो रॉन्ग ही होना चाहिए। कोंकण, इट्स इन बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा का जो पार्ट है वो उसमें इंक्लूडेड है। मुंबई गोवा के पास में, बिल्कुल सर। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन? इसके बाद में हम देखेंगे फाइनल लीडर बोर्ड। लेक चिलिका लाइज इन द स्टेट ऑफ, ओनली यू नो लेक इन इंडिया विद सॉल्ट वाटर। ये भी आसान है और आता भी है एग्जाम्स में। ये बच्चे कर ले जाएंगे। अरे वाह, 8 स्टूडेंट्स ने करेक्ट कर दिया, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत भी कर दिया। कोई बात नहीं। आर यू रेडी टू सी द फाइनल लीडर बोर्ड? एक में तो काव्या जीत गई थी, ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। इसमें भी काव्या ही बाजी मारेगी।
मैथ्स में भी काव्या जीत गई, वाह कंग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। ओहो काव्या दो कंटिन्यूअस सेशन में विनर, पार्टी। दोनों सेशंस में काव्या जीत चुकी है। दोनों सेशंस में जीते हो भाई। अच्छा अभी हम एक काम करते हैं कि हम तुमको जो सबसे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से वो आ रहे हैं ना, बैचेस आ रहे हैं अन अकेडमी पर, वो दिखा देते हैं, ठीक है? तो देखो ये आपके लिए सारे बैचेस आपके लिए आ रहे हैं, टर्म वन की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द स्पेशल क्लासेस, मेरा स्पेशल क्लास, नेक्स्ट स्पेशल क्लास अभी 28th को होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल क्लासेस ज्वाइन क्यों करनी है? ताकि तुमको रियल टाइम इंटरेक्टिव क्लासेस मिले, तुम टीचर के साथ बात कर मैम सको। मैम मैम वेट 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 वेट, आई थिंक आपने जो स्क्रीन शेयर की है वही विजिबल है, दूसरी वाली नहीं है। हाँ आप शेयर करो। ठीक है, विजिबल? नाउ इट इज विजिबल, यस। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में रियल टाइम इंटरैक्टिव लेक्चर्स तुमको देखने को मिलते हैं, पोल सेशंस होते हैं, लीडर बोर्ड जनरेट होता है, डाउट के लिए क्वेश्चन टैब भी होता है। तो इन सभी फीचर्स को आप यूज कर सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उस पर अपनी आईडी क्रिएट करो, हम दोनों में से किसी का भी कोड अप्लाई करके कोई भी स्पेशल क्लास बुक करो, और क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, रेज हैंड फीचर आ चुका है हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे यू पीपल कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन टॉक टू अस। तुमको कुछ डिस्कस करना है, वाइवा लेना है, क्विजेज हैं, ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, हर रेक के इट्स अंदर लाइक वन क्विजेज। टू वन इंटरेक्शन मैम। आई थिंक सी यू गाइस विल गेट द फैसिलिटी, द बेनिफिट ऑफ रेजिंग योर हैंड, एजुकेटर विल डायरेक्टली कम टू यू, दे विल लाइक इंटरेक्ट विद यू, सो व्हाटएवर डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड गेट इट क्लियर, करेक्ट मैम? करेक्ट, जैसे आप ऑफलाइन एब्सोल्युटली। पे अपने टीचर्स और स्कूल में सॉल्व करते थे, तो ऑनलाइन में सबको लगता था कि सर डाउट ही नहीं सॉल्व होता हमारा यहाँ पे, तो अब वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व कर दिया अनअकैडमी ने। नाउ यू कैन रेज योर हैंड, योर एजुकेटर विल गेट बैक टू यू रिगार्डिंग योर डाउट। सो दिस इज अ ग्रेट फीचर व्हिच आई थिंक यू शुड ऑल, यू ऑल शुड गो फॉर दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मैम। ये सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। देखो ये सारे हमारे लेटेस्ट बैचेस हैं जो 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं, ये 16 से स्टार्ट हो गए थे। आपको जिस भी बैच में एनरोल करना हो आप कर सकते हो, एक से ज़्यादा बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हो। सो प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है, द चॉइस इज योर्स। ये पेमेंट जितना फीस है वो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप हम दोनों में से किसी का भी कोड अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। मेरा कोड नीचे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये है सर का कोड, ATLIVE10। या यू कैन यूज दिस कोड टू सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी एनी ऑफ द चैनल टूस बिगिनिंग फ्रॉम 3 मंथ टू 84 मंथ, एंड मेक श्योर दैट वंस यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यू विल बी एंटाइटल्ड टू आल्सो गेट 40% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ आईआईटी जेईई नीट, करेक्ट मैम, और बिल्कुल सही कह एनटीएससी रहे हो। आल्सो। सो डोंट यू नो वेट फॉर दिस वन, दिस ऑफर इज ओनली अवेलेबल फॉर फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस एवरीवन, सो एवरीवन गो टुडे ओनली गेट द सब्सक्रिप्शन, ओनली 2.5 मंथ लेफ्ट, सो इफ यू वांट टू ट्राई इट आउट, अगर आपको लगता है चेक करते हैं पहले कैसा है, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहते, यू वुड लाइक टू प्ले अ सेफ गेम, आपको क्या करना है, यू विल हैव टू टेक द फर्स्ट सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मंथ, कोई नहीं 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लो और उस सब्सक्रिप्शन को देख के ट्राई करो कि भाई क्या हो रहा है, अगर आपको पसंद आता है तो उस सब्सक्रिप्शन को आगे कंटिन्यू कर लो, वापस ले लो। बट एक चीज और है कि बेनिफिट्स जो अभी मिल रहे हैं वो हो सकता है उस टाइम पे ना मिले, ठीक है, तो ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम देगा, ट्राई करने में थोड़ा तो रिस्क भी है, ठीक है, सेफ गेम आप हमेशा खेलोगे तो हमेशा बेनिफिट में रहो, वो नहीं है तो 1 करोड़ रुपीज के जो कॉम्बैट क्विजेस हो रहे हैं हर संडे को, आज 20 क्या है, आज कौन सी डेट है, 27 फ्राइडे है, कल 28 सैटरडे, यानी 29 को एक कॉम्बैट क्विज है, एंड दिस टाइम आई थिंक वो कॉम्बैट मैप 2 करोड़ रुपए की है।
2 करोड़ रुपीस के प्राइजेस इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अनअकैडमी से. प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन दैट यू विल बी गिवन फ्री. Prizes worth rupees 2 crore will be given to you, those who are the winner, first 1 to 3 rank, which is kar raha hai, 4 to 8 10th, which is kar raha hai. And what you have to do, kya karna hai aapko Unacademy ke scholarship test ke liye, patapat app download karo, you know, register yourself for Unacademy Combat, use any of the code ATLive10 or MSLive10 in order to register for the class, this quiz. Every Sunday, you will have that test. I think that is on the next slide, ma'am. Unacademy Combat. Next. हाँ, ये 22nd को था. अब जो आएगा वो 29th को होगा, जिसपे आप 30 questions 45 minutes में करेंगे. 30 questions 45 minutes में attempt करेंगे. Prizes worth rupees 2 crore in both, let me tell you, ये test दोनों language में है, English और Hindi दोनों medium के बच्चे attempt कर सकते हैं, ठीक है? So अगर आपको problem है कि नहीं सर हमें subscription नहीं लेना है, so don't worry, you have this opportunity, you will not have to pay anything, आपको कुछ भी pay करने की जरूरत नहीं है. Give your performance, give yourself, you know, at the proper rank, you will be rewarded with the Unacademy free subscription. Okay, use any of the code ATLive10 or MSLive10 in order to subscribe for our courses. And of course, next month, jab hum aayenge, to we are starting our next month syllabus from grammar and literature. 10th standard grammar, 9th standard literature. Every day we will be meeting at 7:30. हर दिन हम लोग 7:30 बजे मिल रहे हैं, so don't miss out that, उसको miss मत करिए, ठीक है? Let's meet. I guess हमारी classes कल भी है, yes. 28th को भी है, 29th को भी है, 30th को भी है, लगातार 3 दिन क्लास है, यानी फॉर सितंबर क्यों? आज से और अभी से समझो रेगुलर क्लासेस है हमारी, तब तक टर्म खत्म हो जाता है. मिलेंगे हम लोग कल, फिर कल हमारी क्लास होगी 7:30 की, सोशल साइंस की और इंग्लिश की अगेन क्लास है, ओके? So we'll be meeting tomorrow at 7:30 term 1 के MCQs के साथ. Till then, take care. Bye-bye. Bye-bye.